हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना यानी तीनों कंट्री के बारे में पार्ट नंबर थर्ड हमने जो बड़ी बड़ी चीजें थी क्लास पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू में खत्म कर दिया है उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट नंबर वन और टू जरूर देखा होगा जिसके अंदर हमने चाइना के पांच पॉलिसीज के बारे में साथ में पाकिस्तान की भी पाँच पॉलिसीज के बारे में बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पिछली क्लास में लिखने के लिए भी बोला था उम्मीद है आप लोगों ने लिख के याद कर लिया होगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेरेटिव स्टडी यानी कि इंडिया

तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इन चारों चीज के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे देन लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो अब क्लास हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इस पूरे डायग्राम मतलब पूरे इस पूरे चार्ट को डेटा को फिगर को रट्टा नहीं मारना सब समझना है और समझ के एक कंपेरिजन करना है तीनों कंट्री के बीच में सबसे पहले बात करें एस्टिमेट तो पॉपुलेशन की तो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग क्लास 135 करोड़ की पॉपुलेशन है फिगर मिलियंस में है टेन लैक्स मल्टीप्लाई करोगे फिगर निकल के आ जाएगा चाइना की पॉपुलेशन क्लास 139 एक करोड़ की पॉपुलेशन है डेटा सत्रह का लिया हुआ है यहाँ पे चाइना की बात करें क्लास उसके बाद पाकिस्तान की क्लास दो मिलियन लगभग इक्कीस करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान की है तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो पॉपुलेशन के मामले में तो चाइना रैंक वन पे है पाकिस्तान जो है वो रैंक थ्री पे सेकंड सेकेंड नंबर पर जो है वो इंडिया है आप इस ओवरऑल पूरे चार्ट में ये देखोगे कि जो पाकिस्तान है वो थर्ड नंबर पे है बहुत सारी चीजों में इंडिया काफी सारी चीजों में क्लास सेकंड नंबर पे है जबकि चाइना मेजरली चीजों में जो है वो रैंक वन पे है इसीलिए क्लास चाइना इन तीन कंट्री से काफी आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी अगर मैं एनुअल ग्रोथ की बात करूं हर साल पॉपुलेशन में एनुअली कितना ग्रोथ आता है तो इंडिया में वन चाइना में जीरो अब यहाँ पे है क्वेश्चन कि सर चाइना की पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा पर चाइना का

जैसे चाइना भी इंडिया की तरह ही सोच रखता है क्लास मेल डोमिनेंस कंट्री है कि बच्चा होगा तो हमें बेटा ही चाहिए जैसे ना कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा बेटा हमें बुढ़ापे में जो है वो सपोर्ट uh, करेगा हमारे साथ जिंदगी भर तक रहेगा एक गर्व फील हो जाता है जैसे बेटा हो जाता है पता नहीं जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया है ठीक है तो वन चाइल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास हर चाहते थे कि अपना वंशज आगे बढ़ेगा बेटा होगा तो वन से जाके बढ़ेगा भाई बिना बेटियों के वं से जाके कैसे बढ़ेगा बेटा अकेले खुद से शादी कर लेगा क्या तो भैया वन चाइल्ड पॉलिसी इज अ बिग फेलियर ये बहुत बड़ा फेलियर रहा सब लोग जो है कि बेटे बेटे की ख्वाहिश करने लगे जिसकी वजह से क्लास जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का उसमें फीमेल की तादाद बहुत कम हो गई जिसकी वजह से पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी भैया लड़कियाँ नहीं रही रहेंगी तुमने बेटे के ब्याह किससे करवाओगे तो इसीलिए क्लास है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आप तो बंद कर दिया उसको लेकिन जीरो यानी कि ग्रोथ रेट है बहुत लो ग्रोथ रेट है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है दैट इज 2.05 यानी क्लास पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इवन इंडिया से ज्यादा डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो इंडिया में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडिया का है भीड़ इंडिया की बहुत ज्यादा है ठीक है तो 455 तो जितने भी रेफ्यूजीज होते हैं ना क्लास अलग अलग कंट्री से भगाए जाते हैं दिक्कत होती है उनको वो हमारे कंट्री में आके बस जाते हैं हमारी कंट्री बिल्कुल फ्रीडम है सबको आने की आज़ादी है सबको क्लास हम लोग सर्व करते हैं तो फोर है थोड़ी सी क्लास जगह में चार लोग रहते हैं वहाँ चाइना में रहते हैं सिर्फ वन सोचो कितना कम है तीन गुना लगभग ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान में 275 सेवेंटी फाइव यानी अप्रॉक्सिमेटली आप कह सकते हो कि लगभग पौने दो गुना के आसपास इंडिया तो इंडिया में भीड़ बहुत ज्यादा है इंडिया का पर स्क्वायर डेंसिटी जो है डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बहुत ज्यादा है भीड़ बहुत ज्यादा है सेक्स रेशियो मतलब क्या हजार मेल्स पे हज़ार मेल पे कितनी फीमेल्स हैं तो हज़ार मेल पे इंडिया में 924 फीमेल्स हैं जबकि चाइना में 949 और पाकिस्तान में 943 फोर्टी हैं इंडिया की हालत सबसे ख़राब है 924 बहुत कम महिलाएं एज कंपेयर टू मेल फर्टिलिटी रेट एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है इंडिया का टू पॉइंट टू है इंडिया से घटाकर कर टू करना चाहता है इंडिया का टू है चाइना का वन है और पाकिस्तान में देखो कितना ज़्यादा तो पाकिस्तान में आपको देखा फैमिलीज़ बड़ी बड़ी मिलती हैं आपको बड़े बड़े परिवार जो है आपको मिलते हैं तो थ्री पॉइंट सिक्स फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान में जबकि इंडिया में टू पॉइंट टू है अर्बनाइजेशन की बात करूं इंडिया का कितना एरिया अर्बनाइज है ओनली थर्टी फोर परसेंट पाकिस्तान का थर्टी सेवन चाइना का फिफ्टी नाइन परसेंट तो यहाँ पर इंडिया की हालत जो है वो बहुत ख़राब है इंडिया में बहुत सारा एरिया अभी भी रूरल है जो अर्बनाइज़ नहीं हुआ है जिनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है राइट right? चलो नेक्स्ट बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट वेन द इज एक्सपेंडिंग सीधी सी बात है अगर इकॉनॉमी एक्सपेंड करेगा प्रोडक्शन कंजप्शन इनकम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीडीपी जो है वो पॉजिटिव में जाएगा तो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है यानी कि पिछले साल से इस साल कुछ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है कुछ इनकम जनरेशन ज्यादा हुआ है इफ इट इज ग्रोइंग इट शोज मोर इनकम जनरेशन अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है अगर देश में सामान ज्यादा बन रहा है तो बनाने वाले लोगों ने ज्यादा सामान बनाया तो उनकी तनख्वाह ज्यादा मिलेगी तो उनकी तनख्वाह ज्यादा वो खर्च ज्यादा करेंगे उनका खर्चा किसी और की इनकम तो इनकम बढ़ती चली जाएगी तो अगर जीडीपी एक्सपेंड कर रहा है तो यानी कि लोगों की इनकम बढ़ रही है अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है यानी कि वो रिसेशन है और इनकम क्लास घट रही है चाइना विद द सेकंड लार्जेस्ट एज जीडीपीड बाई पीपीपी चाइना क्लास पीपीपी के मामले में आप पीपीपी क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी डिटेल में आगे समझाऊंगा पीपीपी एक तरीके से क्लास एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्लास हम अलग अलग कंट्री की करेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं हमारी जी डी पी रुपये में आएगी अमेरिका की डॉलर में आएगी क्लास यूके की पाउंड में आएगी तो कंपेयर कैसे करेंगे तो कंपेरिजन करने के लिए उन्हें कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट नहीं कर देना है रेट की रुपी एक रुपये में अस्सी डॉलर है सॉरी अस्सी डॉलर अस्सी एक अस्सी रुपये में एक डॉलर है इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करना कंपैरिजन करने का तरीका होता है पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी और इज इन एस्टिमेट टू बी 19.8 ट्रिलियन डॉलर इंडिया जीडीपी इज 8.07 ट्रिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो सिर्फ 12 परसेंट है पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम है सिर्फ 12 परसेंट है इंडिया की जीडीपी से तो ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 2000 हज़ार मतलब 15-17 तक बात करें अस्सी नब्बे से तो 7.3 यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इंडिया का पहले से जबकि चाइना पहले बहुत ज़्यादा था और क्लास पाकिस्तान बहुत तो इनका घट रहा है इंडिया मतलब तरक्की कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान चाइना पहले से क्योंकि पहले बहुत कम था इंडिया का तो क्लास अब बढ़ रहा है इनका कम था इनका ऑलरेडी ज़्यादा था तो इनका अब इतना नहीं बढ़ रहा है इनका कम हो रहा है अब बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी इसको बेसिकली कहते क्या है अगर मैं इंडिया में हूँ मुझे इंडिया में पचास हज़ार रुपये में कमाता हूँ तो एक लिविंग स्टैंडर्ड मेरा मेंटेन होता है पचास हज़ार खर्च करके मैं पचास हज़ार कमाता हूं तो मैं कैसे कपड़े पहनता हूं मैं कैसे गाड़ी यूज़ करता हूं मैं कैसे मकान में रहता हूं ये सारे खर्चे मैं कौन से राशन कितना खाता हूं क्या चीज़ है वो सारे खर्चे सेम पचास हज़ार रुपए में मैं यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूं अगर मैं अमेरिका में शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे अमेरिका में कितने डॉलर कमाने पड़ेंगे ताकि मैं सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं कुछ बच्चे बोलेंगे सर पचास हजार को अस्सी से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड दे दो अस्सी से आपको पता पड़ जाएगा इतने डॉलर आपको चाहिए प्लस इतने डॉलर में सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकूं तो मुझे कितने रुपए चाहिए ये इससे पता नहीं चलेगा इसके लिए होता है क्लास परचेज पावर पैरिटी परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी ध्यान समझना इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर मतलब पैसा ऑफ द वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन एंड अनदर इफ देर इज इट इज अ थेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउ यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन एवरी कंट्री तो पीपीपी कंपैरिजन कौन करता है क्लास वर्ल्ड बैंक अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो तेईस रुपए थी दो सॉरी दो मतलब 11 में कम थी अभी 2021 में बात करें तो ये तेईस है एक डॉलर यानी कि अगर मुझे एक बर्गर इंडिया में तेईस रुपए का मिल रहा है तो सेम बर्गर मुझे यूएस के अंदर ठीक है कितने में मिले क्लास एक डॉलर में यानी कि एक डॉलर का जो क्लास पीपीपी है कन्वर्जन रेट है पीपीपी का वो तेईस रुपए चौदह पैसे है यानी कि अगर मैं इंडिया में तेईस रुपए कमा रहा हूं तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड को गुजारने के लिए मुझे अमेरिका में एक डॉलर कमाना पड़ेगा इस एक बर्गर की कीमत अमेरिका में कितनी है और इस एक बर्गर की कीमत क्लास यूके में इंग्लैंड में कितनी है उसका जब हम रेशियो बना लेते हैं क्लास दिस इज़ कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी ये एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है इसका परचेजिंग पावर पैरिटी अलग है कि मुझे सेम अमाउंट सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मुझे यूएस में कितना मिलेगा जो मैं इंडिया में ख़रीद रहा हूँ तो जब भी कोई इंसान इंडिया से अलग अलग कंट्री में जाता है और वहाँ जाके रहना चाहता है तो वो हमेशा पीपीपी कंपैरिजन करता है एक्सपर्ट उसे पीपीपी कंपैरिजन करके बताते हैं कि भाई देखो यहाँ तुम्हें चालीस हज़ार मिल रहे हैं तो अमेरिका में तुम्हें कितने रुपए चाहिए तो आप सिर्फ इनकम को कन्वर्ट मत करो बिकॉज अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है इंडिया में आप पचास रुपए में भरपेट खाना खा सकते हो लेकिन क्या अमेरिका में आप पचास रुपए में भरपेट खाना खा के आ जाओगे पचास रुपए मतलब एक डॉलर भी नहीं आधा डॉलर समझ लो फिफ्टी सेंट सिक्सटी सेंट मान लो तो क्या आप उतने में आप खाना पीना खा के आ जाओगे नहीं वहाँ पे इनकम ज्यादा है तो वहाँ पे खर्चे भी ज्यादा हैं तो कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग कंट्री जीडीपी को पीपीपी में यूएस डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री आर एक्सप्रेस इन यूएस यूएस डॉलर दिस इज कॉल्ड पीपीपी डॉलर क्लियर है पे पे तो इसीलिए क्लास पीपीपी का कंपेरिजन किया जाता है सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशन पीपीपी समझ आई ये कॉन्सेप्ट है दो से तीन तीन नंबर तक का मान लो मैक्सिमम पूछा जा सकता है आपसे बहुत सालों से पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है आप पढ़ के जाना सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात करें इन ऑल द थ्री इकोनोमीज द इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफ़ोर्स बट दे कंट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट अच्छा इंडिया में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या कंट्रीब्यूशन टू जीवीए इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो 16 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर 30 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी को सर्विस सेक्टर 54 तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है सर्विस सेक्टर का सबसे कम किसका है एग्रीकल्चर सेक्टर का अब बात करते हैं इंडिया का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी भाषा में बना बना के लिखने के लिए पेपर में आपको आ सकता है तो इंडिया में सोलह परसेंट कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से जो आउटपुट बन के आता है वो सिर्फ सोलह

वो काम करते हैं क्लास सर्विस सेक्टर में सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी परसेंट है बत्तीस परसेंट लोग काम करते हैं क्लास किस में बत्तीस परसेंट वर्क फोर्स जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और यहाँ पे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन चौवन परसेंट है सर्विस सेक्टर में लोग कम काम करते हैं लेकिन जी में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनका बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बहुत काम करते हैं आउटपुट बहुत कम निकलता है यही रीजन है कि आजकल कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से खेती नहीं करवाना चाहता उनको सर्विस सेक्टर में डालना चाहता है वहाँ पर कम काम करेंगे आउटपुट ज़्यादा निकलेगा चाइना की बात करें China में सिर्फ सात परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का अब चाइना का जो एरिया है चाइना का जो क्लास एरिया है क्लाइमेट है वेदर कंडीशन है वो अलाउ नहीं करता खेती बाड़ी के लिए इतना अच्छा हर स्टेट का जैसे इंडिया में अलग अलग है काजू हर जगह नहीं उगाया जा सकता गन्ना हर जगह नहीं उगाया जा सकता इंडिया में चाय हर जगह नहीं उगाया जा सकता डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स है एप्पल है वो आपको हिमाचल में जम्मू में पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे अंगूर हर जगह नहीं उगाया जा सकता तो इसी तरीके से ये चाइना सपोर्ट नहीं करता चाइना का एरिया एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करता लेकिन फिर भी चाइना में एग्रीकल्चर में छब्बीस परसेंट लोग काम करते हैं ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ वर्क फोर्स आर इन एग्रीकल्चर सेक्टर वेर एज एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली सेवन परसेंट टू जीडीपी ऐसी लिखना बस आपको टेबल बना बनाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट फोर्टी वन परसेंट टू जी डी पी जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं देट इज़ ओनली ट्वेंटी एट परसेंट सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी टू परसेंट जी डी पी जबकि काम कितना करते हैं सिर्फ फोर्टी सिक्स तो देखा जाए तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसमें लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हैं आउटपुट बहुत कम है जबकि क्लास चाइना में ये केस क्लास चाइना में भी यही केस है एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को पिछाड़ना बड़ा मुश्किल है अभी के दौर पर तो इसीलिए क्लास यहाँ परसेंटेज खेतीबाड़ी में लोग ज्यादा हैं और आउटपुट कम है पाकिस्तान की बात करें 24 परसेंट जी में कंट्रीब्यूट करता है क्लास इंडिया का सिर्फ 16 परसेंट यहाँ पे 24 परसेंट और लोग कितने इंगेज है क्लास इंडिया में 41 पाकिस्तान का सॉरी इंडिया में 43 पाकिस्तान में फोर्टी वन जो पाकिस्तान है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्नीस परसेंट करता है जीडीपी में जबकि कितने लोग काम करते हैं वर्क फॉर सिर्फ चौबीस परसेंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो सर्विस सेक्टर है ना क्लास उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लोग काम करते हैं जस्ट थर्टी फाइव परसेंट तो इस तरीके से आप तीनों कंट्री का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और तीनों कंट्री का जो वर्क फोर्स है आप इसका कंपैरिज़न आराम से करके देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा सा हाफ एन आवर का लगभग स्टडी आपको करना पड़ेगा कॉपी पे लिख लिख के बना बना के डायग्राम वगैरह समझना पड़ेगा ओन लैंग्वेज में क्लासेस के इनके आंसर्स को लिखना पड़ेगा उम्मीद है क्लास वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी कुछ आपको सीखने में मिला होगा बस एक पार्ट और रह गया इसका क्लास पार्ट फोर और उसे करके हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर जहाँ पे हम एच की बात करेंगे उससे भी क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा जायज है ह्यूमन डेवलपमेंट डेक्स उम्मीदा क्लास समझ आया होगा वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करे कॉमेंट करें मुझे बताना कि चैप्टर टफ था लेकिन क्लास आराम से प्यार से धीरे धीरे समझा के कोशिश करिए चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपको वाकई लगता है तो इस चैनल को शेयर करो अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को सबसे ज्यादा अपने सारे क्लासमेट दोस्त, दोस्तों तक जैसा मैंने कहा था वैसे डेली बेसिस का, का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है आप इनको भी चेक करो क्लास अकाउंट्स ईको बीएसटी तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो मैं गारंटी लेता हूं क्लास आपके 300 में से 300 नंबर आएंगे अगर आप डेली बेसिस पे अभी से मेहनत कर रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय बाय